हेलो एवरीवन, द ब्रेनोस्फेयर में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले भारत, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 में शामिल करने की बात की थी, जिसके बाद जब पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बात हुई तो दोनों ने भारत को G7 में शामिल करने के मुद्दे पर भी बात की। जहां भारत G7 में शामिल होने की बात को लेकर काफी खुश है, वहीं रशिया इस बात से काफी दुखी है कि चीन को G7 में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। रशिया की तरफ से लगातार जैसे बयान आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि रूस को भारत के G7 में शामिल होने से कोई मतलब नहीं है। उसे तो चीन के G7 में शामिल ना होने का दुख है। पहले रूस की तरफ से G7 पर बात करते हुए कहा गया कि चीन के बिना दुनिया का कोई भी संगठन पूरा नहीं हो सकता। अब रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि G7 में भारत और बाकी की 3 कंट्रीज को शामिल करके अमेरिका चीन को अकेला करना चाहता है। आगे रूस की तरफ से ये भी कहा गया है कि रशिया ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो चीन के खिलाफ हो। यहां आप ये भी जान लो कि जब कोरोना वायरस दुनिया में फैलना शुरू हुआ था और अमेरिका ने चीन पर वायरस फैलाने का आरोप लगाया था, तब रशिया ने चीन का बचाव करते हुए उल्टे अमेरिका पर ही कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि G7 आर्थिक रूप से शक्तिशाली 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। वैसे तो 2014 तक रूस भी G7 का पार्ट था, पर बाद में रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था और इस बार रूस फिर से G7 में शामिल हो जाए ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि जब ट्रंप ने रशिया को G7 में शामिल करने की बात की थी तो UK, जर्मनी, इटली, कनाडा और फ्रांस ने साफ कह दिया था कि वो नहीं चाहते कि रशिया वापस G7 का पार्ट बने, जिससे ये बात साफ है कि रशिया तो G7 में नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, आप इस बात को मान के चलो कि आने वाले 1 से 2 साल में इंडिया G7 का पार्ट जरूर बन जाएगा। इंडिया के साथ साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी G7 का हिस्सा बन जाएंगे, जिसके बाद ये ग्रुप G7 ना होकर G10 बन जाएगा।